उज्जैन के राज रॉयल कॉलोनी में रहने वाले कपड़े के व्यापारी दिनेश चौहान ने अपनी दूसरी पत्नी लीलाबाई की गला घोटकर हत्या कर दी। दिनेश चौहान ने देर रात को अपनी पत्नी की हत्या वीरनगर के किराए के मकान में कर दी। दिनेश और लीला के बीच पहली पत्नी को तलाक देने को लेकर विवाद होता था। लीला पहली पत्नी से मिलने पर विवाद करती थी, इसी बात को लेकर कल फिर वीरनगर के मकान में विवाद बढ़ा, जहां पर दिनेश ने लीलाबाई की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद दिनेश मकान के बाहर से ताला लगाकर लीलाबाई के बेटे हर्षित और बेटी को हत्या की सूचना फोन पर दी। बेटे हर्षित ने बताया कि पापा का रात को फोन आया, उन्होंने कहा कि मकान पर ताला लगा है, चाबी खिड़की पर रखी है और तेरी माँ की लाश अंदर पड़ी है। इस पर बेटा हर्षित वीरनगर वाले मकान पर पहुंचा और चौकीदार के माध्यम से दरवाजा खुलवाया तो उसे माँ की लाश तीसरे कमरे में मिली। पुलिस ने गुरुवार को सुबह लाश को पोस्टमार्टम के लिए पहुँचाया। वहीं आरोपी दिनेश के खिलाफ केस दर्ज किया है। फिलहाल दिनेश अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। घटना की जानकारी के बाद चिमनगंज थाना पुलिस SFL की टीम गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। FSL अधिकारी ने बताया कि सस्पेक्टेड मर्डर लग रहा है। PM रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगा कि किस तरह से हत्या की गई। थाना चिमनगंज ने लीलाबाई के पुत्र के बयान पर FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद से ही आरोपी पति फरार है। सर, पापा का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने कहा कि रूम पे चले जा, तेरी चाबी खिड़की में रखी है और तेरी मम्मी की लाश अंदर है, जाके तू देख ले। सर ये बात मुझे बोली और मेरी दीदी को भी बोली यह बात। और सर मैंने जाके देखा और उन्हें रिटर्न कॉल किया तो सर उनका फ़ोन बंद आ रहा था और सर वो वहाँ से भाग गए। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर क्या कारण रहा होगा, क्या लगता है? सर मेरी मम्मी मेरे पापा की सेकेंड वाइफ थी और सर फर्स्ट वाइफ से उन्होंने डिवोर्स नहीं किया था। सर इसी बात को लेकर सर बात होती थी, जब भी मम्मी उन्हें डिवोर्स देने का कहती थी या कहती थी मुझे डिवोर्स दे दो या उससे डिवोर्स दे दो, तो पापा झगड़ा करते थे। और सर इसी बीच झगड़े के बीच सर एक साल पहले भी ऐसा हुआ था, तो सर पहले भी सर जानलेवा हमला कर चुके हैं, तो पहले भी सर मेरे पापा ने मम्मी को ईंट से मारा था सिर में, तो 24 से 25 टाके आए थे। सर अभी प्रेग्नेंट थी क्या मम्मी? नहीं थी सर। कितने साल से इनके शादी हुई थी? सर 14 साल, 13-14 साल हो गए सर रिलेशन। क्या नाम है मम्मी का? सर मेरा नाम हर्षित सिंह चौहान है और मम्मी का लीला चौहान। पापा नशा ड्रिंक वगैरह? सर पापा को बस सिगरेट का नशा है और दारू सर कभी कभार पीते। पापा का नाम क्या? दिनेश सिंह चौहान। करते क्या? टेलरिंग का काम करते सर, रेडीमेड का। टेलर सर राजीव नगर में रहती है, राजीव नगर गली नंबर 3। थाना चिमनगंज क्षेत्र में कल रात में एक मामला आया था जिसमें पति ने अपनी पत्नी का गला घोट करके हत्या कर दी, साथ ही साथ उसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा करके खिड़की पर चाबी रख करके चला गया था। और फिर बाद में उसने फ़ोन करके अपने लड़के को इन्फॉर्म किया कि मैंने इस तरह का कृत्य किया, जिस पर से मृतिका के लड़के की तरफ से धारा 302 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया है।